नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शिक्षा इंसान का बुनियादी अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। यही वजह है कि हमारे देश में 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा भी बुलंद किया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वो बच्चों को सही मायनों में शिक्षित कर पाएँ? क्या हमारे नौनिहालों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो पा रही? क्या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर हम उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों से हम इसी बात की तहकीकात कर रहे हैं और आज हम आपको भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की शिक्षा व्यवस्था का सच दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। जब हमने मथुरा में स्कूली शिक्षा की तहकीकात की तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले मिले। ना तो बिल्डिंग, ना शिक्षक और ना ही बुनियादी सुविधाएं। मथुरा में शिक्षा व्यवस्था की इस बदहाल तस्वीर को आप भी देखिए। शिक्षा की दुर्दशा की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। कृष्ण की नगरी मथुरा में कूड़े के ढेर पर स्कूल है और यहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था ही कूड़ा नजर आ रही है। दरअसल ये नजारा है मथुरा के गोवर्धन कस्बे के पूर्व माध्यमिक स्कूल का। इस स्कूल के सामने कूड़े का अंबार लगा है। खाने की तलाश में सुअर इस पर बिलबिला रहे हैं। ये स्कूल किसी कूड़ा घर की तरह नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आती है। हम खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय गोवर्धन में, जहाँ पर विद्यालय में स्कूल जाने के लिए जो रास्ता होना चाहिए उस एकदम साफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरे गांव की गंदगी यहाँ पर लाके डाली जाती है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सिर्फ कागजों में भले ही गोवर्धन में सफाई व्यवस्था होती हो, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जबकि सामने प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर से बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी रास्ते से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर ना तो नगर पंचायत और नगर पंचायत के अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं, ना ही जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है, जिसके कारण यहाँ पर जो गंदगी डाली जाती है उससे बीमारियाँ भी बढ़ने का खतरा बना रहता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर गंदगी पड़ी है उसमें जानवर, यहाँ पर जो पशु हैं वो लगे हुए हैं। और ये स्थिति सिर्फ एक दिन की नहीं, अमूमन यहाँ पर यही हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की बात की जाए और नगर पंचायत की यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। और कहते हैं कि शिक्षा, अगर शिक्षा अच्छी हो तो सब चीज़ अच्छा रहता है, लेकिन शिक्षा का स्तर किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है आप देख सकते हैं कि गंदगी के बीच बच्चे पढ़ाई पढ़ने पर मजबूर है। शिक्षा के इस मंदिर में कूड़े की वजह से इतनी बदबू आती है कि यहाँ पढ़ाई करना मुहाल रहता है। बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते। हाल यह है कि स्कूल में 34 बच्चों की एडमिशन है, लेकिन महज 14-15 बच्चे ही आ रहे हैं। मारे बदबू के यहाँ सांस लेना मुश्किल है। वहीं स्कूल में मिड डे मील खाना मुहाल है। गंदगी की वजह से आपने मुंह बंद कर रखा है? हाँ। तो जब पढ़ते होंगे जब क्या हाल होता होगा तुम्हारा? आपने टीचरों से नहीं कहा? हाँ। तो क्या कहते हैं टीचर? कहते हैं करवाएंगे, करवाएंगे। खाना वाना खा लेते हो जी? खाना नहीं खा पाते? तो मिड डे मील आता है तो उसका क्या होता है फिर? जो मिड डे मील आता है उसका क्या होता है? कूड़े की बदबू से यहाँ स्कूल के आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं। कूड़े की वजह से बीमारी फैलने का डर है। ऐसे में अभिभावक भी इस कूड़े वाले स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। स्थानीय लोग इस रास्ते से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी वश अपने नाक को ढक कर गुजरते हैं। यही रहते हैं, ये झोपड़ी से डरी बात। कहाँ से आ रही है अब? अब तो यहाँ से इस गली में से आ रहे हैं। आपने मुंह क्यों बंद कर रखा है? ये बदबू के मारे भाई साहब। काहे की बदबू आ रही है? ये कूड़ा डर रहा है, यहाँ थोड़ी ये कूड़ा डालते हैं, ये गंदगी करते हैं। ये कौन डाल रहे हैं? ये चेयरमैन डरवा रहे हैं। ये जगह किसकी है? ये जगह स्कूल वाले की है, सरकारी स्कूल है जी, यहाँ गिरवार हो जी। कब से डल रही है ये गंदगी? एक महीना हो गया। तो आप लोगों ने कहा नहीं चेयरमैन साहब से और किसी से? हमारी कौन सुनाई करे अकेले की। इस स्कूल में नौनिहालों के स्वास्थ्य और भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल स्कूल के सामने हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसमें कई बार बच्चे भी गिर जाते थे। काफी वक्त से स्कूल प्रबंधन और गांव वाले इससे परेशान थे।
लेकिन स्कूल प्रबंधन और ग्राम पंचायत ने इस पानी भरे गड्ढे को भरने के लिए जो तरकीब निकाली वो हैरान करने वाली है। एक महीने से स्कूल परिसर के गड्ढे को भरने के लिए कस्बे की गंदगी ट्रैक्टरों के जरिए लाकर स्कूल परिसर में भरी जा रही। ये कितने स्टाफ पे, कितने लोग यहाँ पर, कौन कौन पद पे हैं? बच्चे कितने हैं? गंदगी बहुत है विद्यालय के बाहर, की व्यवस्था नहीं हो पाती। एक दो बार ऐसा हुआ था कि इसमें बच्चे स्लिप मार गए, तो फिर यहाँ से जो प्रबंध समिति ने, हमारी विद्यालय प्रबंध समिति ने इसके लिए मांग की होगी और कोई तरीका नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से हटाई नहीं जा रही है गंदगी। अब कब से पड़ी यहाँ पर? अभी तो हमारे प्रधान अध्यापक हैं, पिछले एक महीने से कोई बताएंगे आपको, जब आएंगे उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी तो वही आपको दिखाएंगे। आज पूरा स्कूल परिसर कूड़े से अटा पड़ा है और बीमारियों का अड्डा बना हुआ है। ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि स्कूल के गड्ढे को भरने के लिए पूरे गांव का कूड़ा स्कूल परिसर में जमा करने के निर्णय लेने से पहले ना तो प्रधानाचार्य और ना ही नगर पंचायत उसके कुप्रभाव पर विचार करना मुनासिब समझा। अब नगर पंचायत के प्रभारी NPRC से फायदे के लिए छोटी मोटी परेशानी बता रहे हैं। जो इस प्रांगण में ये गंदगी डाली जा रही है, कहाँ से आ रही है और क्या इसका मकसद है? इतने लोग मुंह पे हाथ रख के निकल रहे हैं, बच्चे भी मुंह पे हाथ रख के निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये गंदगी है, लेकिन मेरी शुरू से जो वार्तालाप प्रधानाध्यापक जी से है उसमें मेरी जानकारी में ये है कि प्रधानाध्यापक श्री उमा शंकर शर्मा जी द्वारा इसको कहकर नगर पंचायत से डलवाया गया है, क्योंकि यहाँ जल भराव हमेशा रहता है और इस जल भराव में खेलते हुए बच्चे कई बार डूबते रहे हैं और उन्हें बचाया जाता रहा है। तो उनका ये कहना है लंबे समय के लाभ के लिए ये भराव हो जाए तो उसके ऊपर से मिट्टी विद्यालय प्रबंध समिति अथवा कहीं से स्वयंसेवी संस्था से मांग कर इस पर डलवा दी जाएगी और ये जल भराव नगर पंचायत के द्वारा किया जाए। कितना 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 समय से ये गंदगी डाली जा रही है और अभी कितना लंबा समय कम से कम इसको भराव में लग जाएगा? ये विगत 15 दिन से डाली हुई गंदगी है हमारी मेरी जानकारी में और संभवतया ये हमारा आधा काम हो चुका है। 15 दिन ही हम इस गंदगी को और सहन करने की उम्मीद करते हैं, इतने में हमारा भराव हो जाएगा तो बच्चों के डूबने की समस्या से हमें निजात मिलेगा ऐसा। चलिए ये तो हुई स्कूल परिसर की दुर्दशा की बात, लेकिन पूर्व माध्यमिक स्कूल के अंदर के हालात भी अच्छे नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, बाहर की दीवारों का प्लास्टर झड़ गया है तो क्लासरूम का प्लास्टर भी झड़ रहा है। रंग रोगन भी ऐसा कि लगता है सालों से रंगाई पुताई नहीं हुई। स्कूल की खिड़की और दरवाजे टूट रहे हैं। इन सब के बीच यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी तड़क रही है। बच्चों के बैठने के लिए यहाँ बेंच और डेस्क तक नहीं है, जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ एक प्रिंसिपल और 3 सहायक अध्यापिका तैनात हैं। फिलहाल प्रिंसिपल महोदय स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर हैं और काफी टीचर्स के लिए ये मस्ती की पाठशाला बनी हुई है। तभी तो मर्जी हुई तो आए और मन नहीं हुआ तो बिना बताए छुट्टी मार दी। अब हम स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो यहाँ महज एक ही शिक्षिका मौजूद थी। ऐसे में 6, 7 और 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को एक ही रूम में बैठाकर संयुक्त रूप से पढ़ाया जा रहा था। यहाँ बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है ये आप जानेंगे तो आपको भी हमारी तरह बड़ी निराशा होगी। अब हम खड़े हैं गोवर्धन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं होने के कारण, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण इसमें 6, 7, 8 जो क्लास है उसमें कंबाइंड चलाई जा रही है। यहाँ पर विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको कंबाइंड बिठा कर पढ़ाया जा रहा है जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। इसमें 4 लोगों का स्टाफ बताया जा रहा है, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वो छुट्टी पर बताया जा रहा है, करीब 1 महीने से वो अवकाश पर हैं, लेकिन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास पढ़ते हैं? कहाँ से आते हैं पढ़ने? अच्छा ये बताओ देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं बता। तो देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? और मुख्यमंत्री का है? मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता? अच्छा राष्ट्रपति जी का बता दीजिए। नहीं पता तो कैसे? नहीं पता पढ़ाती है? एनपी से पढ़ाती है बस।
अच्छा राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? गांधी जी को। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है? 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी देश आजाद हुआ था 26 जनवरी और 15 अगस्त को। अच्छा ये बताइए 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है? चलिए शायद इन बच्चों को सब कुछ पता नहीं है, बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जो प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? हैं मुख्यमंत्री जी का नाम? आपकी क्लास टीचर कौन है? क्या नाम है मैम का? हैं चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है क्लास टीचर का आपकी का? हैं और जो प्रिंसिपल सर है उनका नाम? सर का नाम नहीं पता। कैसी पढ़ाई होती है? प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है आपके का? और राष्ट्रपति? जब हमारे नौनिहालों को देश के राष्ट्रपति और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे आसान सवालों के जवाब मालूम नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है। इन शिक्षकों की सैलरी पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन इतने खर्च के बावजूद बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है कि वो सामान्य सी जानकारी से भी महरूम है। ऐसे में सवाल सिर्फ बच्चों पर ही नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल तो उन शिक्षकों पर है जिन पर इन बच्चों का भविष्य बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको कृष्ण नगरी मथुरा में बेसिक शिक्षा की बदहाली की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है विकासखंड गोवर्धन के नगला उम्मीद के प्राथमिक स्कूल की। इस स्कूल की विडंबना के बारे में बताएं, इससे पहले स्कूल के अंदर की तस्वीर देखिए। स्कूल के क्लासरूम में पूरी दीवार पर बच्चों के सामान्य ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। ये वो जानकारी है जो बच्चों की नींव तैयार करती है। दीवार पर ज्ञान की इन बातों को पूरे क्लासरूम में उकेर तो दिया गया, लेकिन इन बातों को आत्मसात करने के लिए क्लासरूम में कोई छात्र नहीं। यही स्कूल की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस स्कूल में पढ़कर कारगिल शहीद सोरेन सिंह ने गांव नगला उम्मीद का नाम रोशन किया, उसी स्कूल में आज कोई छात्र छात्राएं नहीं। इस प्राथमिक स्कूल में एक प्रिंसिपल, एक सहायक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र तो तैनात है, मगर पढ़ने के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं है। पिछले 2 सालों से स्कूल में एक भी छात्र का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के शिक्षकों ने इस ओर प्रयास नहीं किया। युवा और योग्य प्रिंसिपल श्रीनाथ गर्ग ने अपने निजी संसाधनों से स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल की तरह बनाया। पढ़ाई के लिए लैपटॉप, प्रोजेक्टर और आधुनिक तकनीक जुटाई। गांव के घर घर जाकर अभिभावकों को समझाकर बच्चों को निजी कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर शिक्षा देने का भरोसा दिलाया। लेकिन इस संपन्न गांव के अभिभावक कॉन्वेंट कल्चर की वजह से अपने बच्चों का इस सरकारी स्कूल के बजाय महंगे निजी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। मैंने दिनांक 25 मई 2015 को इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय में 12 बच्चे थे नामांकित, लेकिन उन बच्चों में से 3-4 बच्चे ही विद्यालय में आते थे नियमित रूप से। यह स्थिति मैंने श्रीमान जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराई और उनके द्वारा कार्यालय स्तर पर भी नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास किए। विगत 2 वर्षों से एक भी बच्चे का नामांकन नहीं है। इसके लिए मैंने गांव में पूरी तरह से सघन संपर्क किया तो सभी गाँव वालों का यह कहना रहता है कि हम सुविधा संपन्न हैं तो क्यों ना हम अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएँ। प्राइवेट विद्यालयों में जितनी सुविधाएँ होती हैं उतनी प्रसिद्धि विद्यालयों में नहीं होती, पर हमारे पास धन का की कोई कमी नहीं है तो हम इस विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। मैंने अपने स्तर से इस विद्यालय में कंप्यूटर, लैपटॉप और विद्यालय के वातावरण को अपने खर्चे पर अच्छा करने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन गांव वालों की उदासीनता और या ये कहें कि उनका बड़प्पन जो होता है आपस का, उसके कारण वे उन बच्चों को विद्यालय में नामांकित नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी, नोडल कोऑर्डिनेटर, न्याय पंचायत समन्वयक, BRC महोदय एवं खंड जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदयों को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया है और उनके द्वारा इसके लिए प्रयास भी किए गए और सचिव महोदय को भी इस विद्यालय की स्थिति के बारे में लिखा है। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार यह कार्रवाई जारी है, लेकिन उस पर अभी भी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। सरकारी स्कूल की खराब छवि और गांव के लोगों की सरकारी स्कूलों के प्रति उदासीनता से हतोत्साहित प्रधानाचार्य ने अपनी पीड़ा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
आज हाल यह है कि स्कूल रोजाना खुलता तो है लेकिन स्टूडेंट नहीं होने की वजह से शिक्षक और स्टाफ टाइम पास कर घर लौट आते हैं। स्थिति से प्रिंसिपल बेहद निराश हैं। मेरे को ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लेटर दिया गया है, कई लेटर थी, बीएसए महोदय को ये लेटर दिया गया है, बीएसए महोदय द्वारा सचिव महोदय को भी दिनांक 5 मार्च 2018 को एक लेटर इस विद्यालय की स्थिति के बारे में पूछा गया है और IGRS के माध्यम से भी कई बार इस विद्यालय की स्थिति को बताया गया है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। शिक्षा विभाग इसमें कोई भी कदम नहीं उठा रहा है कि विद्यालय का संचालन किस प्रकार से सुचारू किया जा सके। हम लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि हम सुबह के आते हैं विद्यालय समय से और समय के बाद ही जाते हैं और बिल्कुल शांत यहीं बैठे रहते हैं, हमारा भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये स्थिति सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को बयां कर रही है। आज ज्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि कोई इसमें अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। ज्यादातर स्कूलों में महज एक ही शिक्षक है और वहां बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे है। ये सरकारी स्कूलों की खराब छवि का ही नतीजा है कि जहाँ टीचर है वहाँ भी अब कोई एडमिशन नहीं कराना चाहता। ये स्थिति सरकारी स्कूली व्यवस्था के लिए बड़ी चेतावनी है। अभी व्यवस्था नहीं सुधरी तो सर्वशिक्षा के नाम पर चलाई जा रही योजनाएं और इसके लिए खर्च किया जा रहा अरबों रुपया यूं ही पानी में बहता जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब देश के नौनिहालों का भविष्य गर्त में चला जाएगा। कन्हैया लाल, APN मथुरा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के सच की। मथुरा में बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। हाल तो यह है कि मॉडल सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तमाम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है तो बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं। कई स्कूल इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनकी छत कब भरभरा कर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकारी स्कूलों की छवि सुधारने के लिए सरकार प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर मॉडल स्कूल बना रही है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार कर उसे मॉडल स्कूल का रूप दिया जा रहा है। मथुरा के विकास खंड गोवर्धन के परासौली प्राथमिक स्कूल को भी मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित किया गया। स्कूल की इमारत को दुरुस्त किया गया, स्कूल की फर्श पर चमचमाती सफेद टाइल्स लगाई गई और बुनियादी सुविधाओं में विस्तार का दावा किया गया। लेकिन जब हमने इस स्कूल की तहकीकात की तो इस स्कूल का सच सामने आ गया। इस स्कूल को किसी भी हाल में आदर्श नहीं कहा जा सकता। कहने को तो इस स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 57 बच्चों वाले इस स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए महज एक टीचर है, वो भी शिक्षा मित्र। इस स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं और बाकी टीचरों का दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे में पिछले 4 महीने से ये स्कूल एकमात्र शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। ये तस्वीर देश में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर है। कहने को तो सरकारी दस्तावेजों में यह आदर्श स्कूल है, लेकिन यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है किसी को इसकी चिंता नहीं। अकेले शिक्षा मित्र सुनीता शर्मा ही क्लास 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ा रही है। 3 क्लास के 57 बच्चों को एक टीचर एक साथ कैसे पढ़ा सकती है, ये कला कोई इस स्कूल में सीखे। लेकिन एक अकेली शिक्षिका बच्चों को कितना गुणवत्ता युक्त पढ़ाई करा सकती है, इसका भी खुलासा उस वक्त हो गया जब हमने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से सामान्य से कुछ सवाल किए। स्कूली शिक्षा के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता का आलम यह है कि विभागीय उच्चाधिकारी तो छोड़िए, यहाँ ग्राम न्याय पंचायत के NPRC तक ने पिछले 4 महीने से स्कूल की सुध नहीं ली है। यही वजह है कि यहाँ शिक्षा समेत तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून की यहाँ जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाल यह है कि बच्चों के बैठने के लिए इस आदर्श स्कूल में बेंच और डेस्क तक नहीं है। बच्चे जमीन पर ही बैठकर एक शिक्षिका के भरोसे शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। इसके तहत इस स्कूल में शौचालय तो बनाए गए, लेकिन शौचालय के लिए बनाए गए गड्ढे खुले ही छोड़ दिए गए। ऐसे में स्कूली बच्चों के साथ कोई हादसा न हो जाए, इसी डर से शौचालय में ही ताला लगा दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालय है, उत्कृष्ट विद्यालय के शौचालय कैसे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पर विद्यालय में बच्चों के लिए यहाँ पर शौचालय बनाया गया था, मॉडल शौचालय इसका नाम दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है स्वच्छ भारत मिशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बनाया गया था, सिर्फ ताला यहाँ पर लटक रहा है,
दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, लेकिन बीमारी बंद और दरवाजा बंद, और यहाँ पर स्कूल खुल रहा है लेकिन यहाँ का शौचालय बंद है। और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो गड्ढे हैं, जो यहाँ के शौचालय के लिए बनाए गए गड्ढे हैं, वो यहाँ पर खुल रहे हैं, और एक नहीं दो गड्ढे यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पर विद्यालय जो चल रहा है, यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आशाओं का भी सेंटर है, यहाँ पर जो केंद्र है, यहाँ पर आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ियों का केंद्र है, यहाँ पर वो मासूम बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर विद्यालय की आप देख सकते हैं जिस तरीके से विकास कार्यों को गति देने की बात की जाती है, यहाँ पर जो यहाँ पर गड्ढे खुले रखे गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि जहाँ पर मासूम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये गड्ढे कई महीनों से जिसके तस बने हुए हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ ही मजाक नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति विकास खंड गोवर्धन के ही गांव कौथरा के प्राथमिक स्कूल की भी है। भले ही इस वक्त आपको इस स्कूल में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, क्लासरूम में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये बच्चे इस वक्त बड़े खतरे में हैं। जिस क्लास में ये पढ़ रहे हैं उसकी छत कभी भी उन पर गिर सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसके बगल के क्लासरूम में ऐसा हो चुका है। इस क्लास की छत हाल ही में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से भरभरा कर ढह गई। गनीमत ये थी कि उस दिन मथुरा के जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी कर दी गई थी। स्कूल में छुट्टी होने की वजह से बच्चे बाल बाल बच गए। कल्पना कीजिए, अगर आम दिनों की तरह स्कूल चल रहा होता तो यहाँ का मंजर क्या होता। अच्छा, अभी जो क्या घटना हुई है यहाँ पे, गुरु पूर्णिमा का जो अवकाश हुआ था, उस अवकाश के दौरान इस कमरे की भारी बारिश के कारण छत गिर गई। अच्छा, इसकी सूचना आपने किसी को दी है? हाँ, इसकी सूचना मैं कल अपने बीओ ऑफिस पे और अपने एनपीआरसी केंद्र पर देके आ चुकी हूँ। क्या ये उस दौरान जब छत गिरी थी, क्या बच्चे इसमें अंदर पड़ रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कि बच्चे बाल बाल बचे हो? हाँ, बच्चे बाल बाल बच्चे हैं, क्योंकि उस दौरान क्या था, अवकाश था गुरु पूर्णिमा का गोवर्धन ब्लॉक में, इस कारण से उस समय कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर भगवान चाहता, अगर उस टाइम स्कूल खुला होता तो हो सकता है कोई हादसा हो सकता था, क्योंकि इसमें हमारी कक्षाएं लगती हैं। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में 96 बच्चे नामांकित हैं। स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्लासरूम की छत गिर गई, लेकिन शिक्षा विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं। स्कूल की प्रिंसिपल ने विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन सूचना दिए जाने के बाद भी कोई भी विभागीय अधिकारी ना ही संबंधित एनपीआरसी स्कूल का हाल देखने पहुंचा। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार को ना तो नौनिहालों की पढ़ाई की चिंता है और ना ही उनके जान की। दरअसल हकीकत तो यही है कि सरकारें बदलती रही, लेकिन देश में शिक्षा के हालात नहीं बदल सके। अगर सरकारों का शिक्षा के प्रति यही रवैया बरकरार रहा तो सब पढ़े सब बढ़े का सपना कैसे साकार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कन्हैया लाल, एपीएम मथुरा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।